Good morning, students. This is Shivshankar Saini, and welcome in science class. Today, we have to study in science chapter first, chemical reaction and equations. Chemical reactions. And equations. देखिए लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट में केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों के बारे में स्टडी की, ठीक है। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो है हमने लास्ट क्लास में देखो इसमें देखा था कि जिसमें ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे स्टेट है, कलर है, शेप एंड साइज है, अगर वो चेंज होती है तो उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, और अगर फिजिकल चेंज के साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसको हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा लास्ट क्लास में। केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होता है या कोई सब्सटेंस अदर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस काफी सारी हैं, बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के। देखिए उससे पहले, केमिकल रिएक्शन से पहले हम कुछ टॉपिक्स है, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड डियर जनरल एंड केमिकल नेम। टेबल के अंदर एक तरफ हम कंपाउंड फॉर्मूला लिखना है, कंपाउंड फॉर्मूला एक तरफ लिखना है आपको, जनरल नेम और एक तरफ लिखना है आपको इसका केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम। अब कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है, उनके कंपाउंड जो है जनरल नेम और केमिकल नेम वो हमको स्पेशली लर्न होने चाहिए। हमें इसमें सबसे पहला देखो HCl, सुना होगा आपने नाम HCl, इसका जनरल नेम जो होता है इसको हम एसिड ऑफ साल्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम एसिड ऑफ साल्ट के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नेम जो होगा वो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये इसका हाइड्रोजन क्लोराइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें NaOH, इसको हम सोडियम, इसको हम कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसका केमिकल नेम होता है तो कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा, कास्टिक सोडा जनरल नेम है और सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें H2SO4 इसे एसिड ऑफ सल्फर के नाम से जाना जाता है, एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है, मतलब केमिकल नेम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका केमिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए HNO3, ठीक है, HNO3 इसको हम एसिड ऑफ पीटर साल्ट, साल्ट पीटर, एसिड ऑफ साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं,
ठीक है, इसका जनरल नेम हो जाएगा एसिड ऑफ साल्टपीटर, और इसको केमिकल नेम नाइट्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट देखिए, इसमें CH3COOH, इसे हम विनेगर के नाम से जानते हैं, और इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, या इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, विनेगर CH3COOH विनेगर इसका जनरल नेम है, और एथेनोइक एसिड इसका केमिकल नेम हो जाएगा, इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसमें HCOOH, इसको फार्मिक एसिड के नाम से जाना जाता है, जनरल नेम फार्मिक एसिड। ठीक है, और इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें KOH, इसको कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है, कास्टिक पोटास। तो केमिकल नेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से केमिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें CaO, इसे हम किक लाइम के नाम से भी जानते हैं, किक लाइम। ठीक है, जनरल नेम इसका किक लाइम हो जाएगा, इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इसमें CaOH का हाइब्रिडाइज, इसको हम सिलेक्टर लाइन, देखिए ये तो होता है क्विक लाइम CaO, और जो CaO इसका हाइब्रिडाइज जब इसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है, क्विक लाइम में वाटर ऐड कर देते हैं तो सिलेक्टर लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम सिलेक्टर लाइन बोलते हैं, सिलेक्टर लाइन। ठीक है, इसी का केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कुछ कंपाउंड है, इनको आप अपनी शेयर नोटबुक में इसकी शॉर्ट लेकर के नोट कर लीजिए। कुछ और कंपाउंड्स हैं, पहले आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए इसी में आगे, नेक्स्ट इसमें CaCO3, इसको हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, इसका जनरल नेम लाइमस्टोन है, और इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें MgOH का हाइब्रिडाइज, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कि एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, जब स्टमक में, हमारे स्टमक में जनरली जब पेन होना शुरू होता है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड के रूप में काम में ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिकल नेम इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इसमें CHCl3, इसको हम CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो केमिकल नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन इसका केमिकल नेम हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें CaSO4.2H2O CaSO4.2H2O इसको कैल्शियम सल्फेट जनरली केमिकल नेम होता है इसका और इसको जिप्सम के नाम से जानते हैं जिप्सम जिप्सम के नाम से जाना जाता है और इसे कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं नेक्स्ट इसमें CaSO4.5H2O इसको पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नेम हो जाएगा केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट और सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट इसका केमिकल नेम हो जाएगा नेक्स्ट इसमें CuSO4.5H2O इसको हम ब्लू पेट्रोल नाम से जानते हैं जनरल नेम हो जाएगा ब्लू पेट्रोल केमिकल नेम हो जाएगा कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट नेक्स्ट इसमें FeSO4.7H2O इसको हम ग्रीन पेट्रोल के नाम से जानते हैं जनरल नेम हो जाएगा ग्रीन पेट्रोल और इसका केमिकल नेम आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोल देते हैं फेरस सल्फेट ठीक है नेक्स्ट इसमें NaHCO3 ठीक है इसको बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है बेकिंग सोडा और केमिकल नेम हो जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह देते हैं इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है इन सब नामों के नाम से इसे जाना जाता है इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पेपर नोट पे नोट कर लीजिए नेक्स्ट अभी कुछ और कंपाउंड्स हैं जिन्हें कि हम अभी नोट करने वाले हैं नेक्स्ट देखिए इसमें लेकिन छोड़ा के बाद CaOCl2 इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर और इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड नेक्स्ट हो जाएगा इसमें N2O इसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं जनरल नेम इसका लाफिंग गैस और केमिकल नेम हो जाएगा इसका नाइट्रस ऑक्साइड
नाइट्रस ऑक्साइड, नेक्स्ट इसमें Na2CO3 डॉट NH2O, ठीक है, इसको हम जनरली वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, वाशिंग सोडा, और केमिकल नेम इसका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इसमें CH4, इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, जनरल नेम इसका मार्स गैस। और केमिकल नेम हो जाएगा मैथेन, केमिकल नेम हो जाएगा इसका मैथेन। नेक्स्ट इसमें KMnO4 को रेड मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, जनरल नेम इसका रेड मेडिसिन। केमिकल नेम हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट इसमें K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है, थोड़ा बड़ा है फॉर्मूला। इसको हम पोटास एलम के नाम से जानते हैं, जनरल नेम इसका पोटास एलम, जिसको कि फिटकरी बोला जाता है, पोटास एलम। इसका केमिकल नेम हो जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनो सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनो सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनो सल्फेट। नेक्स्ट इसमें CO2, इसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, ड्राई आइस, उसको बर्फ, ठीक है, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। और केमिकल नेम इसके जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इसमें NaCl, कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं, केमिकल नेम इसका, जनरल नेम इसका कॉमन साल्ट, और इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें NH4Cl, इसको नौसादर के नाम से जानते हैं, जनरल नेम इसका नौसादर, ठीक है, नौसादर। और केमिकल नेम हो जाएगा इसका अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ कंपाउंड थे जिनके जनरल नेम और केमिकल नेम आप लोगों ने अभी इस क्लास के अंदर जाना, इनको एक स्क्रीनशॉट निकाल के अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लो इन्हें, ठीक है, आपके जो चैप्टर्स में बहुत काम आने वाले हैं। और ये कंपाउंड के बारे में हम तो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। देखिए पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में। नंबर वन रिएक्टेंट, ठीक है, और दूसरा है प्रोडक्ट,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अपना टेक पार्ट करते हैं, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो आफ्टर केमिकल रिएक्शन हमें हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। जो कि हमें नए सब्सटेंस मिले हैं केमिकल रिएक्शन के बाद उनको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। दो सब्सटेंसेज, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दो सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। They are called reactant. They are called reactant. उनको reactant के नाम से जानते हैं। एक नेक्स्ट जो उनको रिएक्शन के बाद में केमिकल रिएक्शन के बाद में उनको ऑब्टेन होते हैं दो सब्सटेंसेस विच आर produced after a chemical reaction they are called product। उनको हम product के नाम से जानते हैं। जैसे कि example देखिए, ये example है, हमने मैग्नीशियम को बर्न किया और बर्न को सब्सटेंस जो होता है, ध्यान रखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है बर्न, ठीक है, यानी हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं फोटो के साथ रिएक्शन करवा के, इसको हमने बर्न किया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, ये मैग्नीशियम हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ये दोनों, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बन क्या रहा है इसमें MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन रहा है इसमें। यानी मैं सीधी सी बात कहूँ कि जो हमने बीच में एरो साइन यूज लिया है, ठीक है, जो एरो साइन यूज लिया है इसके लेफ्ट वाले तो रिएक्टेंट होते हैं, ये तो हो गए रिएक्टेंट, और जो राइट वाले हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो लास्ट में बनते हैं केमिकल रिएक्शन के और ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको रिएक्टेंट बोला है, इनको प्रोडक्ट बोला है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच हम एक एरो का साइन लगाते हैं, ठीक है, उस रिएक्शन को शो करने के लिए। और उस एरो का हेड जो होता है वो प्रोडक्ट की ओर होता है, उस एरो का जो हेड होगा वो प्रोडक्ट की ओर होता है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए इसमें राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, हमने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बड़ी लास्ट क्लास में, केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसमें जितने भी सब्सटेंस हैं उनको सबके सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहा जाता है उसे, ठीक है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन। राइटिंग केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन को, सबसे पहला देखिए इसमें कुछ मेथड्स हैं, उसमें नंबर वन है रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट साइड, इन द लेफ्ट साइड
क्वांटम इन दी राइट साइड प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड लिखेंगे और रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं. नंबर टू एन एरो साइन एन एरो साइन इज यूज्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो साइन यूज लेते हैं whose head is toward product. इसका हेड होगा कहाँ होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें नंबर थ्री इफ देर आर मोर देन वन रिएक्टेंट इफ देर आर मोर देन वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो और रिएक्टेंट्स हो देन प्लस साइन इज यूज्ड बिटवीन देम इज यूज्ड बिटवीन देम. ठीक है, उनके बीच में प्लस साइन यूज ले लिया जाता है. तो ये इक्वेशन को लिखने का तरीका है. ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते थे उसे. जैसे C+O2 जब कार्बन बर्न होता है तो CO2 बनाता है. ठीक है, ये क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन और ये हो गया इसमें प्रोडक्ट. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और दोनों के बीच हमने एरो साइन यूज लिया है. इसका हेड कहाँ है, प्रोडक्ट की तरफ. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसमें NH3 इसको हम ब्रेक कर रहे हैं. इसका हम डिकम्पोजिशन करवा रहे हो NH3 का, अमोनिया का डिकम्पोजिशन किया. ठीक है, डिकम्पोजिशन में इसको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ब्रेक हो गए. ठीक है, अमोनिया NH3 क्या है, अमोनिया और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक हो रही है. ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए. ठीक है, इसमें देखिए वही हमने एरो साइन यूज लिया है. अगर प्रोडक्ट की संख्या एक से ज्यादा है तो हमने प्लस साइन बीच में यूज लिया है. ऐसे ही अगर रिएक्टेंट ज्यादा है एक से ज्यादा है तो उसमें भी प्लस साइन यूज में ले लेते हैं. तो ये इसको इक्वेशन को लिखने का तरीका है. तो आज इस क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, इसके अलावा कुछ टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के, उनके बारे में स्टडी करेंगे. आज के लिए इतना, इसको शॉर्ट ले करके नोट डाउन कर लीजिए.